मेरा नाम आयशा है। मैंने 2015 में वर्चुअल यूनिवर्सिटी सियालकोट से बीएस एडमिनिस्ट्रेशन करना स्टार्ट किया था, जिसको मुकम्मल करने में मुझे 6 साल का एक तवील और मुश्किलों भरा वक्त लगा। क्योंकि मेरा ताल्लुक सियालकोट के एक ऐसे ख़ानदान से है जहां लड़कियों की तालीम के हसूल को एक सामाजिक गुनाह समझा जाता था, जिसकी वजह से मुझे आगे बढ़ने वाली ख़ानदान की पहली लड़की होने के नाते ना ख़त्म होने वाली और हरा देने वाली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपनी मंजिल की तरफ कभी रुक रुक कर तो कभी आहिस्ता आहिस्ता बस चलती ही रही। मेरे बहुत से एग्ज़ाम्स भी मिस हुए जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कॉपरेशन के वजह से दोबारा दिए जा सके। जहाँ मेरी मुखालफत में बहुत से लोग थे, वहीं मेरे हक में भी कुछ लोग मेरे साथ हमेशा खड़े रहे, जिनमें से सबसे पहले मेरी वालदा मोहतरमा हैं जो आज यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनकी कुर्बानियों और सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच सकी। इसके बाद मेरी फैमिली के कुछ लोग हैं जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरी सपोर्ट की है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। जहाँ सपोर्ट की बात हो रही हो और वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तालीम हासिल करने के लिए मुझे किसी ऐसे इदारे की ज़रूरत थी जहाँ मैं तालीम हासिल करने के साथ साथ अपनी जॉब कंटिन्यू करके घर की जिम्मेदारियाँ भी पूरी कर सकती, और ऐसा करना सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ही मुमकिन था। इस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी सियालकोट मेरी कामयाबी की तरफ पहली सीढ़ी साबित हुआ। यहाँ से सीखी गई कम्युनिकेशन स्किल्स, आईटी स्किल्स, सेल्फ लर्निंग और टाइम मैनेजमेंट, ये सब आज मेरी प्रोफेशनल लाइफ का बेहतरीन हिस्सा बन चुकी हैं। और आज मैं एक वेल नोन कंपनी में एज एन अकाउंटेंट काम कर रही हूँ। ये डिग्री मेरे लिए सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये मेरी बहुत बड़ी जीत है जिसे हम सब ने मिलकर जीता है। आज मैं आप सबको ये बताने जा रही हूँ, जिसको सुनकर आपको बहुत खुशी होगी, कि मेरी मेहनत और साबित कदमी की वजह से मेरे ख़ानदान की और भी बहुत सी लड़कियाँ तालीम हासिल कर रही हैं। उनको उन मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा जिन मुश्किलात का सामना मैंने किया। मेरी जैसी लाखों आयशाएं होंगी जो तालीमी हसूल का ख्वाब रखती होंगी, आज मैं उन सब आयशाओं की आवाज़ बनकर आप सबको एक पैगाम देना चाहती हूँ कि सफ़र लंबा ही सही, नामुमकिन नहीं है। आखिर में मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी को सलाम पेश करती हूँ, जहाँ ख्वाब हकीकत में बदलते हैं। शुक्रिया।